अस्सलाम वालेकुम, आपको लाइनेक्स अमेरिकन कंपनी जिसका ये हमारे पास यहाँ फ्रेंचाइज है उसके स्टॉल पर खुशामदीद कहा जाता है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये लाइनेक्स एक ऐसी प्रोडक्ट है जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा आई है और ये एक कोटिंग है, प्रोटेक्टिव कोटिंग हम इसे कहते हैं, जिसका कि बेसिकली पॉलीयूरेथीन एंड पॉलीयूरिया के कम्बिनेशन से, हाइब्रिड कम्बिनेशन से इसको बनाया गया है। और इसका जो मेजर यूज़ है वो किसी भी सरफेस को हर तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इसके अंदर मिनिमम जनरली जो सरफेसेस हैं जिसके अंदर हम लोहा, चांदी, पीतल या इस तरह की, उसके साथ लकड़ी, फाइबर, ये जो सारी चीज़ें हैं इनकी अपनी एक स्ट्रेंथ है लेकिन वो बहुत कम है। और उनके ऊपर जो सबसे बड़ा इशू आता है वो आता है कि उन पर जंग आना शुरू हो जाता है, ख़ासतौर पर कराची जैसे शहर में कि जहाँ एक एक मिनट के अंदर जो है चीज़ों के ऊपर जंग आना शुरू हो जाए। आप एक दिन के अंदर चीज़ रखें और एक दिन में जंग आना शुरू होता है। इन जगहों के ऊपर इस कोटिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उसको जंग से भी महफूज रखती हैं, उस जगह की एब्रेजन भी देती हैं, यानी उसके ऊपर किसी किस्म का भी स्क्रैच और कोई भी निशान आने से उससे भी बचाती हैं, और उसकी अपनी स्ट्रेंथ को तकरीबन 20 से 25 गुना ज़्यादा बढ़ा भी देती हैं। ये वो प्रोडक्ट है जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तो बहुत कम इस्तेमाल हो रही है। अभी इंशाल्लाह इसकी मार्केटिंग स्टार्ट की है, अभी ये बड़ी बड़ी जगहों पे लाइक शिपयार्ड वगैरह में तो है लेकिन कमर्शियल यूज़ में या जनरल यूज़ के अंदर कम है। लेकिन अमेरिका में ये तकरीबन गाड़ियों की बेड, जो बेड लाइनर्स कहलाते हैं, जो पीछे हम पाकिस्तान में लेमैन लैंग्वेज में डाला कहते हैं, वहाँ से स्टार्ट करके और अमेरिका में जो इस वक्त पेंटागन है उसकी बम ब्लास्ट प्रूफिंग भी 9/11 के बाद से इसी से की गई है। मैं इसकी आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा कि ये हमने कोट किया हुआ है, अगर हम इसको देखें तो इस कोट के ऊपर अगर देखा जाए तो ये एक कांटे से मैं पूरा ये कर रहा हूँ। इस वक्त अगर आप कोई भी कोटिंग ले लें, चाहे वो सेरेमिक कोटिंग है चाहे वो नैनो कोटिंग है, उससे कोई वो नहीं होगा, लेकिन आप इसके ऊपर जितना भी कोशिश कर लें इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा।